नमस्कार। घर में जब बच्चा पैदा होता है ना तो मम्मी पापा सोचने लगते हैं कि इसको क्या बनाएंगे बड़ा होकर। अलग अलग तरीके के सिस्टम चालू हो जाते हैं। पापा की जो ख्वाहिशें अधूरी रह गई वो बच्चे को बनाना चाहता है, मम्मी की जो अधूरी रह गई वो बच्चे को बनाना चाहती हैं। लेकिन बड़े होने के बाद में वो गाना ज़रूर गाते हैं कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, मम्मी कहती नाम करेगा। और IAS बनना सबका सपना भी रहता है। हमारे देश में तो बड़ी बड़ी कोचिंगें इसी के दम पे चल रही हैं, बड़ी बड़ी IAS पैदा कर रही हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि IAS बन गए, मन नहीं लग रहा, छोड़ दिया। हमारे साथ स्टूडियो में है ऐसी एक तनु जैन जी। स्वागत है तनु जी आपका। धन्यवाद। मतलब क्या पसंद नहीं आया, कुछ कमी रह गई नौकरी में? मतलब लोग सपना देखते हैं, वहाँ चले जाने के बाद में जाने क्या क्या हो जाता है। बचपन से लेके जब क्वेश्चन पूछते हैं तो बड़े हो क्या बोलोगे? IAS बनेंगे, UPSC क्रैक करेंगे। वो क्रैक करने के बाद में आपने नौकरी क्रैक कर दी? हाँ, एग्ज़ाम मैंने पास किया, AFH की सर्विस भी करी, 7.5 साल नौकरी करी। और फिर उसके बाद मुझे लगा मेरे अंदर का एक टीचर है, उसको मुझे हवा देनी चाहिए। तो उसके साथ ही फिर मैंने क्विट करके अपना अभी पढ़ाना स्टार्ट किया। टीचर की के लिए IAS छोड़ दी, ऐसा क्या हो गया? वैसे टीचर की जो अहमियत है हमारे दिल में भी और हमारे भविष्य को संवारने में भी बहुत अहम है, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा IAS में नहीं था? हाँ, इकोनॉमिक सेंस तो यही कहती है, या फिर आप कहें कि सांसारिक, हाँ जो सेंस है, या जिसे कहना चाहिए अगर सांसारिकता से देखा जाए तो यही है। लेकिन हाँ, एक ही तो जीवन मिला है ना, आप जो जो करना चाहते हैं आपको इसी जीवन में करना है। तो मैं ये भी करना चाहती थी, तो मैंने कहा करा जाए। नहीं, कुछ तो मजबूरी होगी, कोई तो मजबूरी है, ऐसा कोई मजबूरी थी? नहीं, कोई मजबूरी नहीं। पक्का? बिल्कुल, मजबूरी का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों सिविल सर्वेंट्स हैं और बहुत अच्छी पोस्टिंग्स रही मेरी। ऐसा भी नहीं कह सकते कि हाँ पोस्टिंग्स बुरी थी, तो इंसान का मन थोड़ा सा कई बार खट्टा हो जाता है पोस्टिंग्स अच्छी ना रहें तो। पर मेरी पोस्टिंग्स भी हमेशा बहुत बढ़िया रही, तो वो भी एक कोई जिसे कहना चाहिए एक बहाना नहीं था मेरे पास। तो मेरे पास सिर्फ एक यही एक जिसे कहना चाहिए कारण था कि मुझे पढ़ाने में भी बहुत मज़ा आता है। और एक तरीके से शायद आप जीवन में ना कई रोल निभाना चाहते हैं इसी एक जीवन में, तो सिविल सर्वेंट वाला रोल निभा लिया ना। तो ऐसा करते ना, जैसे सुबह 8 बजे चले गए ऑफिस IAS में, 5 बजे निकल के, और शाम को 6 बजे से क्लास लगा ली बच्चों की, ऑफिस के लोग बिठा के उन्हीं को पढ़ा दिया करते थे, क्या दिक्कत थी उसमें? उसमें वो मज़ा नहीं है। जब आप एक बीड़ा उठाएं तो बीड़ा उठा ही लें पूरा, आधा अधूरा दो कश्ती की नाव वाली सवारी ज़्यादा रास आती नहीं, किसी को नहीं आती। तो हमने कहा एक रास्ता चुना है तो फिर उसी को पूरा चुनेंगे। वाह, पढ़ाने के लिए आपने अपनी नौकरी IAS वाली नौकरी छोड़ दी। अच्छा, UPSC के लिए यहाँ तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है, और सपने और क्या क्या मोटिवेशनल जितने भी लोग अभी देखे मैंने, वो सब IAS बनने के लिए पहले नंबर IAS है उनका, बच्चों को वही बनाना चाहते हैं। भारत का हर पैदा हुआ बच्चा उसके माँ बाप से पूछ लो क्या है कि तो बड़ा होगा ऑफिसर बनने का, बड़ा ऑफिसर। और मामला आपके साथ तो बड़ा अजब सा है। थोड़े से कुछ वाक्य कुछ ऐसे बताइए, क्या क्या आपने 7.5 साल में किया है? तो 7.5 साल में मेरी जो पोस्टिंग रही वो डिफेंस में रही, और शुरुआत इंजीनियर कोर से हुई। इंजीनियर कोर से ऐसे समझिए कि जो हमारी इंजीनियरिंग काडर होता है आर्मी का, उसकी पोस्टिंग्स, उनके सहूलियत के लिए जो सारी चीज़ें रही जाती करी जाती हैं, वो सारी चीज़ें हम मैनेज करते थे। फिर मेरी पोस्टिंग हो गई DRDO। फिर DRDO के अंदर भी अलग अलग मेरे रोल्स रहे, कभी साइंटिस्ट के अलाउंसेस पे हमने काम किया, अलग अलग चीज़ों पे काम किया DRDO में, बहुत सारे पॉलिसी पे भी काम किया। और फिर अंत में मेरी पोस्टिंग रक्षा मंत्री ऑफिस में हुई, वहाँ पे मैंने पूरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक जो खाचा होता है ना, खाखा जिसे कहते हैं, ओवरऑल बर्ड्स आई व्यू, उसको समझा, उसमें मैंने मदद करी जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ी। और फिर जब मैं मैटरनिटी लीव पे गई तब मेरे अंदर ये पढ़ाने और पढ़ने की तो शिद्दत बनी ही हुई थी। फिर उसके बाद हमने अपना, जब आपने डिसीजन ले लिया तो घर वालों ने कुछ नहीं कहा? हस्बैंड साहब ने कुछ नहीं? हस्बैंड ने तो नहीं कहा, लेकिन बाकी सब ने बहुत कहा। बाकी सब तो बड़े
जिसे कहना चाहिए ना कि बिल्कुल सपोर्ट में नहीं है, नहीं थे और अभी भी, मतलब उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या कर लिया इसने. हाँ. वो एक एक मैं एक जिसे कहना है ना, दिल के अंदर उनके ये बात अभी भी दबी छुपी है. हाँ. कि ये क्या कर लिया. तो उस वक्त पे तो कोई भी सपोर्ट में नहीं था. यार नौकरी छोड़ने का तो कोई सवाल नहीं, लोगों को मिल नहीं रही, यहाँ मिली वो छोड़ रहे हैं. हाँ, तो कई लोगों को ऐसा भी लगा कि बड़ी एरोगेंट बन रही है, बड़ा अपने आप को 30 मार खा समझ रही है कि यू नो मिल गई है शायद आसानी से, इसलिए छोड़ रही है आसानी से. उसको समझ नहीं आ रहा है कि क्यों छोड़ना है. और ये सारी चीज़ें मतलब सुनी है मैंने अपने आसपास ही के सरकारी नौकरी कौन छोड़ता है. अरे काम करो ना, छुट्टी लेके कर लो, तुम्हें जो करना है तुम वही आप जैसे आपने बताया. हाँ. शाम को कर लो जो करना है, सैटरडे संडे कर लो, सैटरडे संडे कर लो जो करना है. तो ये हाँ कुछ रास्ते अक्सर सुझाए जाते हैं. तो घर वाले तो बड़े नाखुश थे और मेरे दादाजी ने तो बोला कि मेरे मरने के बाद करना, अगर छोड़नी भी है ना तो मेरे मरने के बाद छोड़ना, मेरे सामने तो मत छोड़ना. गजब है. लेकिन UPSC आपने जब किया तब तो सोचा ही नहीं होगा आपने उस समय कि भाई मैं छोड़ भी सकती हूँ. तो वो नहीं, नहीं. उस UPSC क्रैक करने के दौरान के थोड़े से क्या क्या चल रहा था दिमाग में, क्रैक होगा नहीं होगा, कितने अटेम्प्ट में आपने उसको कर लिया? मेरा सिलेक्शन तीसरे अटेम्प्ट में हुआ. पहला अटेम्प्ट तो मेरा बिल्कुल ही रैंडम जिसे कहा जा सकता है वैसा रहा, क्योंकि मैं BDS कर रही थी, इंटर्नशिप ख़त्म करके बस ऐसे ही आ गई. और मुझे पता चला ढाई तीन महीने बाद ही सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स है. और मुझे लगा कि अब इतने अटेम्प्ट कौन ही देगा, तो ये वाला भी दे देते हैं. तो उस वक्त भी सबने मुझे समझाया कि ऐसे दो ढाई महीने की पढ़ाई में सिविल सर्विसेज ना क्रैक होता है ना प्रीलिम्स निकलता है. लेकिन मैंने ढाई महीने पढ़ाई करी उस वक्त, बेसिक्स की ही पढ़ाई करी और मैथ्स वगैरह ठीक था मेरा. तो CSAT के सपोर्ट से भी और GS से भी मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया. ऑप्शनल सोचे नहीं थे, प्रीलिम्स के बाद ऑप्शनल्स सोचे, ढूंढे. टीचर्स ने पढ़ाने को मना कर दिया, उन्होंने कहा तीन महीने में कौन सा पढ़ाया जाता है. तो खुद ही कुछ नोट्स वोट्स लेके पढ़ पढ़ा के मेंस दे दिया. तो हुआ नहीं, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ. दूसरे अटेम्प्ट में भी ऐसा ही कुछ रहा, क्योंकि मैंने कभी कोई कोचिंग नहीं करी थी. और मतलब मेरे पास खुद के नोट्स भी, मतलब मैं खुद ही किताबों से बना रही थी उस वक्त तक, मेरे पास अपने नोट्स भी नहीं थे. फिर फाइनली तीसरे अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन. कोचिंग के साथ, बिना कोचिंग? अच्छा, ये लोगों को बताइए, बिना कोचिंग के भी UPSC क्रैक की जा सकती, कैसे की जा सकती? ये कोई नई जानकारी नहीं है. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बिना कोचिंग के ही सिविल सर्विसेज निकाला है. ये कोई नई जानकारी नहीं है. उसके क्या ट्रिक है? ट्रिक नहीं है, मेहनत ज़्यादा है. ट्रिक कुछ नहीं है. ट्रिक तो आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम को डीकोड करने की थोड़ी बहुत ट्रिक्स मान सकते हैं, लेकिन उसके अलावा तो शुद्ध मेहनत. आपको किताब खोल के पढ़नी ही पड़ेगी. अच्छा, आप कितने घंटे पढ़ती थी? घंटों का हिसाब नहीं है. मतलब मैं हमेशा, जब भी मेरे पास कोई बच्चे आते हैं ना, वो मुझसे पूछते हैं कि मैम कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो मैं कहती हूँ घंटों का कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि किताब खोल के तो आप 10 घंटे भी बैठ सकते हो. और अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ाई कितनी हो रही है उसमें पता नहीं. अगर आप 2 घंटे के अंदर फिल्म देखने जाना है, वॉलीबॉल खेलने जाना है, फुटबॉल खेलने जाना है, ये चल रहा है मन में चल रहा है, आप मन में सोच रहे हो अरे पता नहीं मैं बनूंगा नहीं बनूंगा, ये है वो है, आपके मन में 10 बातें चल रही हैं, तो जो लिखा है वो कहाँ जा रहा है मन में? वो कहाँ जा रहा है? तो इसीलिए चाहे आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप शिद्दत से पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, है ना. वो ऑनेस्टी ऑफ पर्पस बहुत ज़रूरी है कि जब पढ़ रहे हैं तब पढ़ रहे हैं, जब खेल रहे हैं तब खेल रहे हैं, जब फ़ोन पे इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर ये सब कर रहे हैं तब वही कर रहे हैं. तब ये नहीं कि एक तरफ ये चल रहा है एक तरफ किताब भी खुली हुई है, तो उसको पढ़ना नहीं कहेंगे. फ्लिकरिंग माइंड नहीं बनना है. हाँ. एक जगह कॉन्सेंट्रेट करना है. ये कॉन्सेंट्रेट कैसे करें? लेकिन और दूसरी चीज़ ये भी, UPSC में वही कैसे पढ़ना है, मतलब एक्चुअल सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, कैसे तय होगा कि भाई क्या पूछ सकते हैं या क्या आ सकता है? वो जो सिलेबस है वो एग्जैक्ट वही सिलेबस कैसे पढ़ें? क्योंकि वो तो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द सन सब कुछ है, कोई कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग. नहीं, ऐसा नहीं है. अच्छा, एक सिलेबस डिफाइंड है UPSC का. अब यही यहाँ पर ही टीचर का रोल है, उसके अलावा कहीं, जैसे कहना चाहिए ना, पढ़ना तो बच्चे को ही होता है, उसके अलावा कहीं रोल नहीं है टीचर का. टीचर का बस इतना ही रोल होता है कि ये समझा पाना कि जब हम UPSC पढ़ाई कर रहे हैं तो सब कुछ
अंडर द सन नहीं पूछा जाता। एक पैटर्न है, एक तरीका है, एक सिलेबस है, उस सिलेबस की भी एक डायरेक्शन है जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसे तो मतलब कुछ भी पढ़ेंगे बच्चे को क्या पता चलेगा कहाँ से पढ़ना है। लेकिन आप देखिए जो बच्चे मेहनत करते हैं, सही डायरेक्शन से पढ़ते हैं, उनका क्लियर होता है। और जिसका एक बार प्रीलिम्स क्लियर होता है उसका अगली बार भी हो जाता है आसानी से। जिसको एक बार मेंस क्रैक करने की टेक्निक समझ में आ जाए, एक बार समझ में आ जाए कि कैसे मुझे मेंस का एग्जाम देना है, वो अगली बार भी आसानी से क्लियर कर लेता है। तभी तो जब हम रैंक इम्प्रूवमेंट्स की तरफ जाते हैं तो बच्चे दो दो तीन तीन बार रैंक इम्प्रूवमेंट्स के लिए भी एग्जाम दे पाते हैं। तो वो बस डायरेक्शन वो आप सेटिस्फाइड थे, लेकिन जब थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर हो गया तो सेटिस्फाइड थे आप, आपको उसमें कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं थी? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इम्प्रूवमेंट तो हमेशा चलता रहना चाहिए और मैंने भी आगे भी इम्प्रूवमेंट की कोशिश करती रही हूँ। मैं तो अभी भी कर रही हूँ। नहीं, लेकिन एक बात बड़ा दिलचस्प है, खुद तो पढ़ी नहीं है आप कोचिंग, अब कोचिंग खोल ली या पढ़ाने लग गए? नहीं तो आप ऐसे समझिए कि मतलब अगर मैं उस वक्त पे किसी टीचर का सानिध्य नहीं पा पाई थी जिसे कहना चाहिए, तो मेरे पास मुझे उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा। क्योंकि मुझे ज़्यादा समय लगा, ज़्यादा मेहनत लगी, क्योंकि मुझे डायरेक्शन कभी मैं डिफाइन नहीं कर पाई। मैंने बताया ना मेरे पास खुद के नोट्स भी नहीं थे, तो नोट्स भी किसी किसी के लेके पढ़े, लेकिन आप किसी और के नोट्स से पढ़ते हो तो फिर वो बात नहीं आती। तो वो वाला आपकी मेहनत ज़्यादा लगेगी, इसीलिए मैंने बताया कि डायरेक्शन अगर आपकी उतनी सधी हुई नहीं है तो समय ज़्यादा लगेगा, मेहनत ज़्यादा लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक ही रास्ते से वहाँ पहुँच सकते हैं। जैसे ईश्वर को पाने का कोई एक रास्ता नहीं है, नहीं, कई उसी तरीके से यू नो यूपीएससी क्लियर करने का भी एक रास्ता नहीं है। हम लोगों ने तो जब पढ़ाई करी थी इसकी, वैसे मैंने इसको कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन मैंने दूसरे एग्जाम का ट्राई किया था, तो एकदम घंटे डिसाइड कर लिए, भाई 12 घंटे पढ़ना है, इतना घंटा, और कोई भी रिश्तेदार आ रहा तो उसको भगा देते थे, नहीं मिलेंगे, नहीं बिजी हैं, पढ़ लेंगे, बिजी हैं, ये सब चलता है हमारे इधर। और मम्मी बोलती इसको काम मत बताओ, पापा बोलते जैसे कोई काम बता, मम्मा आपको पता नहीं कि काम मैं पढ़ रहा हूँ ना अभी, ये सब चलता है घर में। घर का तो यूपीएससी या कोई भी बड़े एग्जाम की जब तैयारी होती है, मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चा तैयारी नहीं करता, परिवार तैयारी करता है। तो परिवार जो होता है ना, वो उसके माहौल को ही बदलना पड़ता है। पेरेंट्स को भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो जब वो बच्चे को तैयारी करवा रहे हैं तो बार बार उस पर ये पूछ के कि कैसी चल रही है तैयारी बेटा, प्रेशर ना डालें, उसका भी एक प्रेशर होता है। बार बार जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे के ऊपर अपनी उम्मीदों के, अपने जिसे कहना चाहिए ना, अपने एक्सपेक्टेशंस के बोझ ना डालें, क्योंकि बच्चे को पता है उसे पढ़ना है। पूछ पूछ के उसका सारा मूड खराब कर देते हैं। हाँ। और उसके लिए वो सहूलियतें जिसे कहना चाहिए, वो माहौल आपको बनाना पड़ेगा कि अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसे पढ़ने दें। ऐसा नहीं कि दो घंटे बाद मम्मी कह रही है अरे अब तो बहुत पढ़ ले, चलो ये बेटा घूमने चलते हैं। वो पढ़ रहा है उसे पढ़ने दो। जब कोई आदमी महान कार्य कर रहा होता है उसे बीच में टोकते नहीं है, उसे वो करने देते हैं, तो उसे पढ़ने दो। तो वो जो ओवरऑल ट्रेनिंग है वो परिवार की ही होती है। तो अभी आप जो पढ़ा रही हैं उसमें क्या 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 पढ़ाती हैं, क्या पढ़ा रही हैं, बेसिकली क्या है, किस तरह से सिस्टम बनाया? तथास्तु अपने आप में सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए एक इंस्टीट्यूट है, और वहाँ पे ग्रेजुएशन के बच्चों को भी साथ साथ तैयारी करवाने का प्रावधान है, और एमए के थ्रू वहाँ पर बच्चों को साथ साथ। मेरा मानना ये है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर जो अंतर बहुत ज़्यादा बना दिया गया है कि बच्चा पहले एक बार एक ग्रेजुएशन करता है, फिर वो 2 साल कोचिंग करता है और उसके बाद फिर वो एग्ज़ाम देता है, ये उसके 2 साल का जो जिसे कहना चाहिए कीमत है वो उसको नहीं मिल पाती। क्या रिकॉग्निशन है, एक बच्चे ने आज एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोचिंग करी, क्या रिकॉग्निशन मिला? उसने पढ़ी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी सब पढ़ा, कोई सर्टिफिकेट मिला उसे? कुछ मिला ऐसा जिससे वो कह सके कि हाँ मैंने पढ़ा? तो वो 2 साल तो उसने पढ़ाई करी लेकिन उसको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला, कोई उसका प्रूफ नहीं है उसके पास कि उसने ये पढ़ा। लेकिन ये होना चाहिए ना, क्योंकि पढ़ा उसने। और अगर ग्रेजुएशन के दौरान ही तैयारी होनी चाहिए, उसके बाद क्यों करनी पड़ रही है? और जब बच्चे 4-5 साल बाद जब पहुँचते हैं, आप ये देखिए कई बार 5-3, 4-4, 5-5 अटेम्प्ट्स लग जाते हैं, उस वक्त तक एक बच्चा जो बड़ा क्वालिफाइड था, जो अपने करियर के अंदर बड़ा अच्छा करता, लेकिन अब 6 साल बाद वो उसने इंटरव्यू भी दे लिए यूपीएससी के, उसने अपनी लायकता भी इस बात से तो प्रूव करी ना कि वो इंटरव्यू तक पहुंचा,
लेकिन अब उसे नौकरी कौन देगा? अगर वो सिविल सर्विसेज में ना सेलेक्ट हो तो उसे कौन नौकरी देगा? हमारे इधर तो ये होता है, बहुत सारे लोग जर्नलिज्म में जाते नहीं, लेकिन फिर भाई मतलब बहुत कम उनके लिए ऑप्शन एवेन्यूज कम हो जाते हैं, जबकि वो बहुत लायक बच्चा है। तो ये एक 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 जिसे कहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक एक गैप है जहाँ पे भरपाई होनी चाहिए। मेरी छोटी सी कोशिश है, बाकी मैं खुद क्या पढ़ाती हूँ अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं एथिक्स पढ़ाती हूँ, नीति शास्त्र और फिलॉसफी पढ़ाती हूँ। ओ, नीति शास्त्र, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये आता है उसमें। लोग बोलते हैं मॉरल शिक्षक क्या जरूरत है आजकल, तो जैसे छोटे कपड़े पे क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन क्या है मैं आऊँगा अभी, क्वेश्चन क्या क्या पूछे थे इस पर, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि छोटे कपड़े पहनने की क्या जरूरत है। एक बोलता है कि वो जो रेप को रोकना है तो छोटे कपड़े पहनना बंद करवा दी, और जो उस पर भिड़ भिड़ जाते हैं एकदम, तुम कौन होते हो जी मॉरल शिक्षा देने वाले, बड़ा गड़बड़ है मामला यहाँ पे, तो इसका क्या आंसर होगा? देखिए वैसे इसका एक साधारण छोटा सा आंसर हो नहीं सकता। जो हमारी एथिक्स होते हैं या जो कह लीजिए जो हमारे मॉरल्स होते हैं ना, वो समय के साथ, परिस्थिति के अनुसार, काल के अनुसार, देश के अनुसार बदलते हैं। जैसे ऐसा समझिए कि जीन्स पहनना भी एक अपराध हो सकता है। आप अफगानिस्तान चले जाएं, वहाँ पे अगर किसी लड़की ने जीन्स पहन ली, टी शर्ट पहन के भरी एकदम फुल स्लीव्स की टी शर्ट, फुल स्लीव्स की जीन्स पहन ली और वो वहाँ जाके अगर निकल जाए तो ये अपराध है, वहाँ उसके लिए उसको मारा भी जा सकता है। लेकिन वही जीन्स अगर दिल्ली में, मुंबई में, भारत में अगर कोई लड़की पहनती है तो उसे गलत नहीं माना जाता। उसी तरीके से जो ये हमारी जो एथिक्स होती है, जो मॉरल पुलिसिंग या मॉरल जो हमारे होते हैं, वो भी बदलते रहते हैं। आज जो मॉल कल्चर चल रहा है या जिसे कह लो जो आधुनिकता की एक 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 ट्रेंड सा चल पड़ा है, उसके अंदर शायद छोटे कपड़ों को बहुत लोग उसको गलत नहीं मान रहे हैं। आप विदेश चले जाएं, आप यूएस चले जाएं, आप ऐसी कंट्रीज में चले जाएं, वहाँ पे आपको 80-90 साल की आपको लेडीज देख के लगता है कि ये कहाँ है। नहीं, वहाँ पे आपको मिनी स्कर्ट पहने दिखेंगे, 80 साल की महिला आपको मिनी स्कर्ट पहने दिखेगी, तब आप उसको क्या कहेंगे कि सही है गलत है, वो समाज के हिसाब से डिसाइड होगा। अच्छा, उन लोगों ने वो अडॉप्ट कर लिया और उनके दिमाग में कोई बुरे विचार भी नहीं आते? नहीं आते। हाँ, पर हमारे इधर तो मामला अलग है, हमारे यहाँ तो 50 तरह के कल्चर एक दूसरे के हैं और उसी में लोग, एक खड़ा होता दूसरा उसको बिठाने के लिए खड़ा हो जाता। तो बहुत सारे कल्चर्स जब मिक्स होते हैं तो अलग, अब ये जो ट्रांजिशन जिसे हम कहते हैं, मतलब एक एक बड़ा, वैसे तो पबैड का कॉन्सेप्ट है, प्रिज्मैटिक सोसाइटी। तो प्रिज्मैटिक सोसाइटी क्या होती है कि जैसे प्रिज्म होता है ना, उसमें बड़ी सारी जो रेज होती है वो आपस के अंदर मिक्स होते हैं, उसी तरीके से विद्योर निकलता उधर से। बिल्कुल, जो भारत एक हमारा जो सामाजिक पृष्ठभूमि है उसके अंदर आप ये देखें कि अलग अलग समाज रह रहे हैं, एक समाज नहीं है। एक समाज वो है जहाँ पे कॉन्वेंट एजुकेशन और आधुनिकता को उन्होंने काफ़ी अलग तरीके से अडॉप्ट किया है, एक वो समाज भी है जो अभी पुरानी ही बातों में अटका हुआ है, एक वो समाज भी है जो बदल रहा है लेकिन उतनी तेजी से नहीं बदल रहा, एक समाज है जो बदलना चाहता है। तो मतलब बहुत सारे समाज इकट्ठे हैं, तो वहाँ पे इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स, इस तरीके के आरोपण, दोषारोपण, ये सब तो होंगे ही होंगे ही। अब ये है कि आपको चुनना है कि आप कहाँ पर हैं। हाँ, एक दूसरे को देखते नहीं आजकल, तो आपने देखा होगा मॉरल के अलावा वो रिलीजियस पे भी बहुत ज़्यादा गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। कोई बोल रहा मंदिर बनना चाहिए, कोई बोल रहा मंदिर तो हम बनाए क्यों, ये मंदिर की जरूरत ही नहीं है। अलग अलग तरीके से पॉलिटिक्स ने बहुत ज़्यादा स्थिति खराब करी है, और भी इसमें वो लोग फ्यूल डालते रहते हैं लड़ने के लिए। लोग कहते हैं वोट पॉलिटिक्स में ऐसा होता है, तो इसका क्या, कैसे सुधारेंगे ये माहौल? इस समय गर्मा रहा है ऐसा लग रहा है, अंदर अंदर अंडर करेंट में कुछ, एक विधा राष्ट्रवाद की चल रही है, दूसरी विधा कोई दूसरे वाद की चल रही है, और आपस में लग रहा है कि कहीं ना कहीं जाके, कहीं ऐसा ना हो आगे जाके बहुत बुरी लड़ लें लोग। इसीलिए दर्शन शास्त्र बहुत अहम भूमिका निभाता है। जैसे जब लोग वेद को लेके लड़ते हैं तो अक्सर सबसे पहले उनसे पूछ लेना चाहिए कि आपने वेद पढ़े। कोई बाइबल को लेके लड़े, कोई कुरान को लेके लड़े, तो उससे पूछ लो कि सच में पढ़ी है। अक्सर लोगों ने पढ़ी नहीं होती। आधे लोग सिर्फ व्हाट्सएप इंडस्ट्री से, जिसे कहना चाहिए ना, वहीं से अपना एजुकेशन पाते हैं और उसी पे लड़ने लग डिप्लोमा ले रखा वहीं से लड़ने लग जाते हैं। और अगर हमें किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना है तो सबसे पहले जो दिमाग के कॉन्फ्लिक्ट हैं वहाँ से उनको शांत करना पड़ेगा।
दिमाग में कैसे करेंगे एजुकेशन। आपने एक बार किसी व्यक्ति को बता दिया कि भाई देखो ये फिलॉसफी ऐसा कहती है, शंकराचार्य की फिलॉसफी ऐसा कहती है, रामानुज की ऐसा कहती है, वल्लभाचार्य की ऐसा कहती है, विवेकानंद की फिलॉसफी ये कहती है, जैन फिलॉसफी ये कहती है, बुद्ध फिलॉसफी ये कहती है, इस्लामिक फिलॉसफी ये कहती है, सबकी आपने फिलॉसफिकल अगर उनको उनके समझा दिए और एक दूसरे के भी समझा दिए, आधी लड़ाई वहीं समाप्त हो जाएगी। और जो इतना ना पढ़ पाए ना समझ पाए उसके लिए सिर्फ एक ही मंत्र है, जियो और जीने दो। आप अपना जियो और दूसरे को भी अपने हिसाब से जीने दो। टकराहट होती है लेकिन समझने के बावजूद भी कुछ ऐसा एक गुट होता है कि नहीं हम ही रहेंगे, हम ही हम रहें तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, लोग बोलते थे ना, लेकिन वो एक गुट है ऐसा कि नहीं, अब डोमिनेंस चाहता है वो। ये मानव नेचर है जिसे कहना चाहिए ना, ये हमारी संरचना ही ऐसी है। डोमिनेंस तो आप जहाँ जिसको जो मौका दे दीजिए वहाँ पे वो गुट किसी भी विचारधारा से हो। आप कहें कि महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है तो पुरुषों ने डोमिनेंस ले ली। आप कहें कि इस धर्म के साथ ऐसा हो रहा है तो जो ज़्यादा डोमिनेंस उस वक्त ले पाएगा वो ले लेगा, जो जिस विधा में ले पाएगा वो ले लेगा। ये काम तो समाज को एक बैलेंस बना के ही करना पड़ेगा। और जाति पे हम देख रहे हैं, एक जाति बोल रही हमने ये किया है और बरसों से चले आ रहे हैं, हमने लड़े हैं इस देश के लिए, दूसरी जाति फिर बोलती नहीं हम वहाँ आपसे ज़्यादा लड़ेंगे। और हाँ, और फिर नेता वहाँ खड़े होकर बोलता लगे रहो बेटा, लगे रहो, दोनों बढ़िया हो, लड़ लो एक दूसरे से। ये समझदारी व्यक्तियों में ही आनी पड़ेगी, है ना। जैसे सोशल मीडिया आजकल इतना चल रहा है, आप ये मान के चलिए कि सोशल मीडिया की जो कमियाँ हैं हम उन्हें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या सरकार कर सकती है, क्या और कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो कि ये कहे कि नहीं नहीं ये चीज़ सोशल मीडिया पे शेयर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। नहीं कर पाएगा कोई भी। ये इस तरीके का एक आज़ाद उन्मुक्त सा प्लेटफॉर्म बन गया है जिसे नहीं और कोई कंट्रोल कर सकता, और उसे सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति कंट्रोल कर सकता है, और वो है वो व्यक्ति जो उसे चला रहा है। यानी कि अगर मैं ही घटिया कंटेंट ना देखूँ वो मर जाएगा कंटेंट। जब तक हम घटिया कंटेंट देखेंगे वो चलेगा, जिस दिन हमने बढ़िया कंटेंट देखना शुरू कर दिया उस दिन वो बढ़ जाएगा। तो अगर वो लोग मुखर हो जाएं, वो लोग ज़्यादा बात करने लगे जो शांति चाहते हैं, जो सौहार्द चाहते हैं, जो इस बारे में एक दूसरे के प्रति जिसे कहना चाहिए प्रेम भावना रखते हैं, जो भारत के बारे में सोचते हैं, अगर आप उन लोगों को हवा दें, मीडिया हवा दें, सोशल मीडिया पे ये चीज़ें मुखर हो जाएं, अपने आप हेट कम हो जाएगी। दुनिया में परेशानी इसलिए ज़्यादा नहीं है कि बुरे लोग हैं, दुनिया में परेशानी इसलिए ज़्यादा है कि अच्छे लोग अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे, इकट्ठे नहीं होते। अच्छा कार्टेल बना के बुरे लोग चालू हो जाते हैं, लेकिन अच्छे लोगों का कभी गुट देखा है? ना ना ना, अरे लगे रहो जी करने, तो हमको क्या मतलब है। ये जो सिंड्रोम है ना, ये सिंड्रोम हटना चाहिए। और ये जो सुबह सुबह व्हाट्सअप देख के हम दुनिया में क्रांति करने निकल चलते हैं ना, उसमें थोड़ा सा ठंडा रखने की ज़रूरत है। क्रांति कहाँ आनी है कहाँ नहीं आनी, इसकी समझ पैदा करने के लिए पढ़ो। इन्होंने कहा पढ़ो, पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। दर्शन फिलॉसफी भी पढ़ो, किसकी बात क्या है, कहाँ क्या फिट हो सकती है। ये नहीं कि मार देना निकल के एकदम क्रांतिकारी बन के शाम तक ढेर हो जाएंगे खुद ही। और एक नहीं हज़ारों उदाहरण पड़े हैं ऐसे, ये याद रखिए। मैं एक चीज़ पे आता हूँ अभी, अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या क्या पूछे थे आपसे? क्वेश्चन इंटरव्यू में या इंटरव्यू में तो अब तो खैर मुझे बहुत कॉन्क्रीटली याद नहीं, लेकिन बहुत सारे पूछे। किस तरह के पूछे जाते हैं वो थोड़ा हाँ अमूमन जिसे कहना चाहिए कि करंट अफेयर्स, आसपास की चीज़ों से रिलेटेड पूछे जाते हैं। देखिए इंटरव्यू एक प्रक्रिया है जहाँ पे हम ये जानने की कोशिश करते हैं, कोई भी एग्जामिनर है वो ये जानने की कोशिश करता है कि क्या ये व्यक्ति ऑफिसर बनने लायक है, कुछ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ क्या इसके अंदर हैं, क्या ये व्यक्ति जल्दी गुस्सा तो नहीं हो जाता। अगर कोई व्यक्ति जल्दी गुस्सा हो जा रहा है, आपने उससे डिफ़िकल्ट सवाल, चार डिफ़िकल्ट सवाल पूछ लिए और उसके चेहरे पे एकदम तमतमाहट आ गई, तो यानी कि ऑफिसर बनने के बाद तो ये तमतमाता ही फिरेगा। चार पांच की लंका लगा देगा। उसी तरीके से अगर व्यक्ति हताश या निराश हो जा रहा है बहुत जल्दी, है ना, आपने उससे क्वेश्चन पूछे वो नहीं जवाब दे पा रहा और वो घबरा गया, उसके पसीने छूट गए, उसके उससे शब्द नहीं निकल रहे हैं, तो अगर कभी दंगे हो गए उसके जिले में,
तो ये पसीने छूट ही जाएंगे, है ना? तो उस समय पे वो संभाल पाएगा क्या? है ना? तो ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर में जो बच्चा कह रहा है उसका कंटेंट इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वो बच्चा रिएक्ट कैसे कर रहा है, या वो रिएक्ट कर रहा है या रिस्पॉन्स कर रहा है, मतलब उसकी साइकोलॉजी, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका बिहेवियर। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति कोई विचार बना रहा है, समझिए आपने यही एक सवाल पूछा कि छोटे कपड़े पहनने चाहिए या नहीं पहनने चाहिए, ठीक है? अब आपने ये कैंडिडेट से पूछा, अब कैंडिडेट इस विषय में किस तरीके से जवाब दे रहा है, क्या उसने कुछ सोचा है, या उसने सिर्फ और सिर्फ एक वर्डिक्ट दे दिया नहीं पहनने चाहिए, या ये बोल दिया पहनने चाहिए, सबको पहनने चाहिए। अब आपने किसी ऐसे ही कह दिया या उसके पीछे कुछ विचार थे आपके, कोई आर्ग्यूमेंट्स थे, तो जो व्यक्ति आर्ग्यूमेंट्स के साथ बात करता है उसको हम कहते हैं कि वो उसमें ऑफिसर बनने लायक क्वालिटीज हैं, यानी कि उसने सोचा, कुछ पहले रीजंस डिसाइड किए। जरूरी नहीं कि वो आर्ग्यूमेंट्स उनको पसंद आए या ना आए, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल जरूरी नहीं है पसंद आए। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक, अब ऐसा कहिए कि एक व्यक्ति भगवान को मानता है, एक नहीं मानता, है ना? दोनों अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं। अभी चला हुआ है, स्टालिन साहब कुछ और बोल रहे हैं, इधर स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ और बोल रहे हैं, और बीजेपी वाले कुछ और बोल रहे हैं। हाँ, चल रहा है ऐसा। हाँ, तो मतलब अब दोनों ही अपने तरीके से सही हो सकते हैं, बस आर्ग्यूमेंट्स की बात है। तो वो एक पुरानी, जिसे कहते हैं ना कि एक कोट है कि वाइज माइंड की, जिसे कहना चाहिए ना, विजडम की क्या पहचान है, दैट इट कैन एंटरटेन इवन अपोजिंग थॉट्स विद इक्वल रिस्पेक्ट। दो अपोजिंग थॉट्स हैं, है या नहीं, भगवान है या नहीं, दोनों को आप इक्वली रिस्पेक्ट के साथ एंटरटेन कर सकें अपने दिमाग में, वही विजडम है, वही वाइजनेस है, वही समझदारी है। एकोमोडेट करना विपरीत विचारों को भी, ज़रूरी नहीं कि सामने वाला व्यक्ति हमारे हिसाब से ही चले, वो उसके हिसाब से भी चल सकता है। वैसे ये भारत का सिद्धांत भी रहा है वर्षों से। अभी हमने देखा है कि भारत के ऊपर अलग अलग तरीके के विचार बोलते हैं कि भाई भारत एक विदेश में ऐसी एक चली हुई है। हर कुछ दिन में बोलते हैं कि भाई यहाँ पे अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहे हैं, वो एक रिपोर्ट निकाल देते हैं। वो भारत बोलता नहीं, हम तो सबको लेके चल रहे हैं, अपने यहाँ झांक लो। तो कभी कभी हमको लगता है कि सही क्या है इसमें, हम लोग समझ नहीं पाते। भारत तो बोल रहा है और यहाँ पे रहने वाले भी बोलते हैं हम खुश हैं, विदेश से एक रिपोर्ट आ जाती कि नहीं यहाँ तो कोई खुश नहीं है, अल्पसंख्यक सारे गड़बड़ हैं, अत्याचार में डूबे बेचारे, ऐसा आता है। नहीं तो ये देखिए, ये जैसे कहना चाहिए ना, डिप्लोमेसी की सब तरकीबें हैं। आप डिप्लोमेसी की कोई किताब पढ़ेंगे, और अगर कभी आपको मौका मिले तो एक किताब पढ़िए, सुनजू की एक किताब है, द आर्ट ऑफ वॉर। द आर्ट ऑफ वॉर, हाँ, द आर्ट ऑफ, लिख लीजिए, हाँ, आर्ट ऑफ वॉर। बहुत पुरानी किताब है और सदियों पुरानी किताब है, तो उसके अंदर कई सारी टेक्निक्स बताई गई हैं, और वो वॉर की टेक्निक्स बताता है, वो जो किताब है उसमें वॉर की टेक्निक्स डिस्कस करी जाती हैं। तो उसमें एक टेक्निक वो बताते हैं कि अगर आप किसी और तरीके से वॉर ना जीत पाएँ तो अफवाह फैला दें। अफवाह फैला दें। अब अफवाह के कोई हाथ पैर सर नाक कान तो होते नहीं है, वो तो फैल जाती है हवा की तरह। अब आपने उस आर्मी के अंदर अफवाह फैला दी कि भाई इस आर्मी को तो हराने के लिए चीफ ही काम कर रहा है या ये काम कर रहे हैं। अब उस आर्मी के मन में आपने जैसे ही संशय डाल दिया, डाउट डाल दिया, क्या वो उस तरीके से लड़ पाएगी? नहीं लड़ पाएगी। मेरे ख्याल से इन्होंने जरूर पक्का इधर वो अश्वत्थामा मर गया वाली बात पढ़ी होगी। अफवाह फैला दो अश्वत्थामा मर गया है, पता लग रहा अश्वत्थामा हाथी था। हाँ, अब लेकिन हमें ये समझदारी दिखानी है। हाँ, अपने देश के लिए ये हमें, हमारे अंदर ये विजडम होना चाहिए कि उन्होंने तो कहा अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन हम पहले चेक करेंगे के हाथी या नर। यस, हम ये चेक करेंगे कि कौन मारा गया। भाई लोगों, दिखावे पे ना जाओ, अपनी अकल लगाओ। वो एक वो ऐड आता ना, अकल लगाना पड़ेगा उसके लिए, और लगाना भी पड़ेगा। वैसे ऐसा मैंने देखा भी है, मैं एक जगह चुनाव प्रचार के लिए गया था, तो वहाँ एक कैंडिडेट खड़े हुए थे, उनका नाम कमल गुप्ता था। तो मैंने देखा कि कमल गुप्ता जी के अगेंस्ट में जो कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं उनमें से 5 कमल गुप्ता और। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा ये क्या स्ट्रेटजी है? तो बोले जी ये तो 5 और खड़े कर दिए, कौन से कमल गुप्ता अब निशान लगाना है? उधर
एक बड़ी पार्टी के कमल गुप्ता बोल रहे हैं कमल गुप्ता को जिताएं, इधर सारे लोग बोल रहे हैं कमल गुप्ता को जिताएं, कमल गुप्ता चक्कर में दूसरे पे बटन दबा के आ गए, अफवाह फैलाते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट कर दो, जब भी सिचुएशन संभले नहीं कन्फ्यूजन क्रिएट कर दो, ये पॉलिटिक्स है ध्यान रखना। और इसीलिए तनु मैम जो बोल रही हैं ना उसको समझ लो आप, विदेश से कोई रिपोर्ट आई ना तो दिमाग लगा लेना आप, बात सही है, ध्यान रखना इस चीज़ को, पीछे एजेंडा भी हो सकता है। हाँ एजेंडा भी हो सकता है बिल्कुल। अच्छा एक चीज़, ये लोग बोलते हैं कि हम वाकई सेवा करने आए हैं देश के लिए, सब लोग बोलते हैं, फिर भ्रष्टाचार कैसे हो जाता है बाद में आई एस वाई एस में, लोग बोलते हैं रिपोर्ट रिपोर्ट आ जाती है, मैं पूछना चाहता हूँ जरूरी है। हाँ हाँ नहीं 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 बिल्कुल बहुत ज़रूरी हाँ। सवाल है ये, देखिए सब लोग सही इंटेंशन से आते नहीं है, पहली चीज़, बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो ये इंटेंशन से आते हैं कि अट्रैक्ट किस चीज़ से होते हैं, वो सिविल सर्विसेज की सेवा में पावर मिलेगी, हमें एक तरीके का सोशल स्टेटस मिलेगा, हमें इस तरीके से पूरा सरकारी तंत्र का सपोर्ट मिलेगा, और जैसे ही जब सपोर्ट मिलने लगता है तो इंसान जैसे कहते हैं ना पावर करप्ट्स, एन एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूटली, लॉर्ड एक्टन की बहुत पुरानी कहावत है, तो वही जब पावर आती है तो उसके साथ साथ उस पावर को संभालने के लिए जो समझदारी है कई बार साथ में नहीं आ पाती, और जब साथ में नहीं आएगी तो भ्रष्टाचार जैसी चीज़ें बढ़ेंगी। तो इसीलिए ये मैं अपना ही एक दायित्व मानती हूँ एक टीचर के तौर पे कि जब हम किसी कैंडिडेट को पढ़ाएं, कोई भी टीचर जो पढ़ा रहे हैं, साथ साथ वो इस बात का भी ध्यान रखें कि पढ़ाई के साथ साथ उसके उसके जो मोटिवेशंस हैं वो भी सही हों, एक अच्छा इंसान आईएएस ऑफिसर बने, ना कि कोई भी पढ़ के रट के बन जाए। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि भ्रष्टाचार तो देखिए ऐसा चाणक्य के समय में भी होते थे, है ना, विष्णुगुप्त जी जो अपनी अर्थशास्त्र में लिख के गए हैं तो उन्होंने तब भी बोला था कि भ्रष्टाचार एक तरीके से जैसे एक व्यक्ति की जीभ पे रखे हुए शहद के समान है, उसको नाप पाना कि कितना स्वाद चला गया और कितना नहीं गया बड़ा मुश्किल है। उनके बारे में तो वो भी कहानी चलती है कि चाणक्य जी से कोई मिलने आए, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, ट्रैवलर थे, वो आए तो एक उन्होंने चिराग जलाया दूसरा चिराग बुझा दिया, बोले ये क्यों बुझाया, उसके भी तो रोशनी उतनी थी, तो बोले ये मैं अभी काम अपना ऑफिस का काम कर रहा था, सरकार का काम कर रहा था, अब मैं पर्सनल काम कर रहा हूँ आपसे मिल रहा हूँ, तो वो इतनी ज़्यादा ध्यान रखते थे। इंटेग्रिटी इसे कहते हैं, इंटेग्रिटी। हाँ तो इंटेग्रिटी अब इस तरीके की इंटेग्रिटी बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन हाँ अगर आज हम अपने बच्चों को ये इंटेग्रिटी की कहानी भी नहीं सुनाएंगे तो उनके अंदर ये विचार भी नहीं आएगा ना कि इस तरीके का भी हो सकता है। हो सकता है हाँ, तो ये बहुत जरूरी। अभी तो हम लोग बाय डिफॉल्ट समझते हैं कि एक बार ऑफिसर बन गए तो सब चीज हमारी है। वही जो ये एक जैसे कहना चाहिए एक ट्रेंड जो सेट है सबसे ज्यादा बदलना चाहिए। सबसे ज्यादा एक रिपोर्ट आई थी, एक बार छापा पड़ा कि बाजारों में कौन कौन की कार, तो पता लगा कि वो फलाने नेता की पत्नी आई और वह बच्चे आए और शॉपिंग कर रहे हैं उस कार से, ये सब चलता है आजकल खूब सारा, खूब चलता है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं एक बात, जहां हम भ्रष्टाचार की इतनी बात करते हैं, ऐसे भी बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो बहुत ईमानदारी से और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वरना ये देश ऐसे नहीं चल रहा होता। आप देखिए स्कीम्स चल रही हैं, लोग आज भी पढ़ रहे हैं हॉस्पिटल्स में, सरकारी अस्पताल में ठीक भी हो रहे हैं, खूब अच्छा काम भी हो रहा है। 100 में से 4 ने करप्शन करी न्यूज़ पे आ गया। आप हम ही देख रही हो पक्का, हमको बोलोगे आप? नहीं, आपका भी एक मीडिया के तौर पे ये दायित्व बनता है कि जो व्यक्ति जब आप बुरा काम बहुत मुखर तरीके से हाईलाइट करें तो साथ में अच्छा काम भी बहुत मुखर तरीके से हाईलाइट हो। अब जो उस व्यक्ति ने ईमानदारी से काम किया उसको पहचान नहीं मिलती। अब इतने ऑफिसर्स हैं बिना नाम के, बिना किसी पहचान के, सालों साल वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल वही उसी तरीके से काम कर रहे हैं, ये दिया बुझाया और ये जलाया। लेकिन मैंने देखा वो तो कभी कभी अलग तरीके से, जैसे कोई सैटरडे एक कहीं जाकर एक टेंट वेंट जन एक सिंपल सा टेंट लगा के झाड़ के नीचे पढ़ाने जा रहा है, कोई कोई गिफ्ट लेके जा रहा है दिवाली पे उन लोगों के साथ जो अंडर प्रिविलेज उनके साथ मरा, ऐसे लोग मैंने देखे। कोई पढ़ाई के लिए केवल वो दे रहा है, क्या बोलते ऑफिसर, बड़े बड़े ऑफिसर मैंने देखे हैं ऐसे। बहुत ऑफिसर्स अच्छा काम कर रहे हैं और उनके अच्छे काम को भी हाईलाइट
होना चाहिए, क्योंकि वरना ये आप देखिए ना, ये इतना अगर सभी भ्रष्टाचारी हैं तो देश चला कौन रहा है, कहाँ चल रहा है? अगर सभी 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 सड़क का पैसा खा रहे हैं तो सड़क बन कैसे रही है? बन कैसे रही है? सही बात है ना, तो चीजें तो हो रही हैं, यानी कि 100 में से 2 अगर गलत हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि पूरे 100 गलत हैं। हाँ, नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे, कश्ती बदलो, किनारे बदल जाएंगे। देखने का नजरिया बदलना है, इनका मतलब ये है कि भाई अच्छे लोग भी हैं। वैसे एक बात शिकायत भी है, बहुत हमने बहुत बार अच्छी अच्छी स्टोरीज चलाई हैं, लेकिन देखने वालों की तादाद से पता लग जाता है कि लोग क्या देखना चाहते हैं। लोग ना बवाल ज़्यादा देखना चाहते हैं, किसी ने किसी को गाली दे दी, किसी को कुछ एकदम झगड़ा हो गया वो, और अच्छी चीज़ की भाई यहाँ पर बहुत अच्छा काम हो रहा है या फिर ये ऑफिसर बहुत अच्छा काम, तो उसके व्यूज़ भी आप देख लीजिएगा या फिर ओवरऑल TRP देख लीजिएगा, तो अपने आप पता लग जाता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजिक चक्कर में मीडिया बदनाम हो जाता है। नहीं, ह्यूमन साइकोलॉजी वही मैं कह रही हूँ कि ये व्यूअर के ऊपर भी एक दायित्व है। अगर आप अच्छा कंटेंट नहीं देखेंगे, आप बुरा कंटेंट प्रमोट करेंगे तो फिर बुरा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसको और कोई रोकने का तरीका। फिर कंप्लेन ना करें समाज खराब हो रहा है, सोशल मीडिया ने देश बर्बाद कर दिया। कौन देख रहा है ये सोशल मीडिया जो देश बर्बाद कर रहा है? आप ही तो देख रहे हैं। तो वैसा हम अभी कंटेंट बना रहे हैं, उसमें और ऐड करके लिख देते हैं फॉरवर्ड करने के लिए कि देखो इसको इतना वायरल करो कि ये उसके पास पहुंच जाए। फिर एक जोक चलता है कि अंग्रेज होते, अंग्रेजों के समय तो यही यहीं पे बैठ के क्रांति हो जाती, कोई सड़क पे निकलता ही नहीं। सही बात है, फ्रीडम स्ट्रगल ऑन व्हाट्सएप। अभी आप लास्ट सवाल, आगे क्या करना चाहती हैं? और अब टीचर बन गई हैं, अब क्या? अभी तो मैं इस रोल को अच्छे से निभाना चाहती हूँ। अभी मेरा जो टोटल फोकस है वो यही है कि जो ये समस्याएं हमने उठाई, आपने मैंने बात करी जिन पे, तो कहीं ना कहीं उनका दायित्व हम सब पे ही आता है, मुझ पे भी आता है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं अपने छोटे से रोल में, एक छोटे से UPSC के डोमेन के छोटे से टीचर के रोल में उन दायित्वों को निभाऊं, जहाँ जहाँ मैं ऐसे बच्चे खड़े कर सकती हूँ जो जिन्हें जिनमें सोचने समझने की शक्ति हो, जिनमें सच बात को कहने की शक्ति हो, मैं वैसे बच्चे क्रिएट करना चाहूँगी, वैसे बच्चे तो बनाना चाहूँगी। कई वर्जन आ गए, तेरा सच मेरा सच, पोस्ट ट्रुथ पता नहीं चलता कि इसका सच सच गालमेल बना हुआ। स्यादवाद, स्यादवाद कहता है कि समय, देश, काल, परिस्थिति से जो आपकी पॉइंट ऑफ व्यू है, बस आप जो वो देख रहे हैं वही सत्य है। नहीं, वो एक कहावत भी है ना कि सच जब तक जूते पहनता है तब तक झूठ पूरी दुनिया के सैर कर लेता है। हाँ, वो कहावत है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन फिर भी कोई ना कोई तो बोलेगा ही ना, कोई ना कोई तो बोलेगा ही, कोई ना कोई तो इस विषय में काम करेगा, और कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मतलब मैं कुछ अनूठा करने की सोच रही हूँ या मतलब कोई बहुत महान कार्य करने की, ऐसा कोई मेरा कोई महानता को क्लेम करने का कोई विचार नहीं है। इट इज़ जस्ट जिसे समझना चाहिए कि वो मेरी एक कोशिश है, छोटा सा छोटी सी कोशिश है, और जो सबको करनी चाहिए अपने अपने लेवल पे, जो माताएं हैं, जो पिताएं हैं, जो टीचर्स हैं, स्कूल टीचर्स हैं, प्राइमरी टीचर्स हैं, चाहे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कुछ भी हैं आप, आपका जितना रोल है आप उसको सही से निभा लें, और उसके अंदर अपनी इंटेग्रिटी को मगर मेंटेन करके आप चलें, बस उतना ही आपका काम है, उतनी ही आपकी जिम्मेदारी है, बाकी सब चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। हम अपने रोल को तो निभाएं नहीं, दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाते रहे, यहाँ ये गलत हो रहा है, यहाँ ये गलत हो रहा है, हमारी आदत है ना पड़ोस के घर में ताका झाकी करना दूसरों की जिंदगी में, इसलिए तो सीरियल भी चल रहे हैं इतने सारे, उन्होंने दूसरों की जिंदगी पर्दे पर लाके रख दी, अब उन्हीं सीरियल में घुस जाते हैं। अनुपमा क्या कर रही है, अब वनराज क्या करेगा, हाँ इस तरह होता है। दूसरों की जिंदगी में उंगली करने वालों अपने तरफ भी देख लो। वो क्या था वो कि तुम्हारी दुकान कोई और चला रहा है, ये कश्ती जहाज खुद नहीं चलते, खुदा चला रहा है वो, राहत इंदौर जी ने कहा था। तो ऐसा है कि अपने पे ध्यान रखना थोड़ा ज़्यादा जरूरी है, जैसे ही दूसरों पे आप गए तो सारा फोकस दूसरों पे आएगा और अपनी एनर्जी उसमें कमज़ोर होती है। लास्ट टू लास्ट सवाल एक और, ये जो मोटिवेशन स्पीकर हैं वो बोलते हैं ये बन जाओ वो बन जाओ, और वो बहुत सारा मोटिवेट करते हैं, क्या वो मोटिवेशन से सच में कुछ सब कुछ बदल जाता है क्या? नहीं, क्योंकि IAS बनने के लिए मैंने देखा है कि बहुत लोग मोटिवेट करते हैं, फिर अलग अलग स्पीकर की उनकी क्लासेस अटेंड करते हैं मोटिवेट होने के लिए लोग।
देखिए मोटिवेशन का एक रोल जिसे कहना चाहिए एक इनिशियल रोल हो सकता है, है ना। आपने किसी के अच्छे शब्द, असलियत में तो सिर्फ शब्द है ना, शब्द है और शब्दों में शक्ति होती है। आज मैं आपको बोलूं कि आप बड़े अच्छे एंकर हैं, तो एक, वैसे सुन के अच्छा लगा, अच्छा लगा ना, मुस्कुराहट आई। और यहीं पे मैंने बोला आप बहुत बुरे एंकर हैं, एक मुस्कुराहट छोटी हो गई। किस चीज की शक्ति थी ये? सिर्फ शब्द की शक्ति थी। एक शब्द ने मुस्कुराहट दे दी, एक ही उसी तरीके के एक शब्द ने जिसे कहना चाहिए कि मुस्कुराहट को कम कर दिया। यानी कि शब्दों में तो शक्ति होती है। अब ये शक्ति कितने समय बने रहेगी, कितनी इंसान के मन पे चोट करेगी, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो आपका पात्र है वो कितना रेडी है, है ना। गुरु तो वहाँ पे सबको कहता है कि ना, शंकराचार्य की लाइन है कि तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, है ना, ये तो सबको कहते हैं। लेकिन कोई विरला ही होता है जो इसको रियलाइज कर लेता है। सही बात है ना। तो जो रियलाइज कर लेता है उसके लिए गुरु बहुत बढ़िया, उसके लिए मोटिवेशन बहुत बढ़िया, मोटिवेशनल स्पीकर भी बहुत बढ़िया। जिसने उसकी मोटिवेशन से इंस्पिरेशन ले ली वो बन गया, बहुत बढ़िया। और जो नहीं बन पाया उसने भी चलो सुन तो लिया ही। हालांकि ये भी लोग बोलते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर अपने घर के बच्चों को इतना अभी तक मतलब कोई प्रधानमंत्री नहीं बना पाया, ऐसा कुछ हो नहीं पाया ये राष्ट्रपति नहीं बना पाया, कोई मोटिवेशनल स्पीकर अब तक अपने घर के बच्चों को नहीं बना पाया। मतलब ये तो उसका वो वाली बात है, लेकिन उसकी ये वाली बात है कि कोई डॉक्टर अपने बच्चों को बीमार होने से नहीं बचा पाया दायरा उसका लिमिटेड है, पात्रता पे डिपेंड है, है ना। अब घर के बच्चे अगर ज्यादा सुन लेते हैं तो उसके बाद मुझे लगता है कि वो खुद ही कहते हैं कि ओह ये सब तो बहुत सुना हुआ है रिपीटेशन हो जाता है। चलिए अभी हम बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके साथ, मुझे लगता है 5-6 घंटे निकल जाएंगे, लेकिन इतने घंटे के लिए हमारे पास समय है नहीं। और अब आगे बढ़ते हैं, एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि सपने देखिए ज़रूरी है। इन्होंने तनु जी ने अपने अलग ही सपने देख लिए, इतनी बड़ी नौकरी मिल गई, IAS की नौकरी, रुतबा पावर सब कुछ छोड़ दिया एक झटके में, पसंद नहीं आया जी, नहीं पसंद है, पसंद नहीं, पसंद की बात नहीं है, पसंद तो बहुत आया है, काम कुछ और करना है, लेकिन हाँ काम कुछ और करना है, तो जिसमें मन लगे वो काम करना है। और मन के हारे हारे मन के जीते जीत, मन से इन्होंने कहीं और जीत देखी है। एक मुझे जाते जाते लाइन याद आ रही है गोपाल दास जी की कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करते। चलिए जिंदगी को जिए, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। चलिए नमस्कार। नमस्कार।